677वीं बहमनी स्थापना दिवस सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह की कब्र पर मनाया गया। बता दें कि ये स्थापना दिवस बहमनी फाउंडेशन किला गुलबर्गा के द्वारा आयोजित किया गया था। बहमनी स्थापना दिवस में कुलबुर्गी की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि ये बहमनी स्थापना दिवस बहमनी फाउंडेशन किला के द्वारा कई वर्षों से की जा रही है और इस अवसर पर कई लोगों ने मीडिया से बातचीत भी की। सुल्तनत का योम तासीस फाउंडेशन डे 677वां फाउंडेशन डे आज यहां पर मनाया गया। बहमनी सल्तनत के बानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के गुंबद पर चादर चढ़ाई गई और फिर गुल चढ़ाए गए और फिर फातिहा खानी हुई और तमाम अहबाब इसमें शरीक हुए। इस ये तकरीब हर साल मुनक्किद की जाती है, जिसके लिए मैं मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल और रहमान पटेल और इस्माइल कोइन कलेक्टर और सबसे अहम शख्सियत जो है वो जनाब काजी रिजवानुद्दीन रिजवानुरहमान सिद्दीकी मशहूद की है। इन लोगों की दिलचस्पी से हर साल ये योम तासीस के मौके पर यहाँ पर फातिहा खानी का अहतमाम किया जाता है। बहमनी सल्तनत का जो ड्यूरेशन था वो 1347 से 1527 तक, यानी 180 साल बहमनी सल्तनत कायम रही और बहुत ही तारीखी सल्तनत रही। दखन की पहली मुस्लिम सल्तनत का इसको एजाज़ हासिल है और इस हुकूमत में बहुत शानदार कारनामे अंजाम दिए गए। रियाया की फलाह बहबूदी को बहुत ज़्यादा बहमनी सल्तनत में अहमियत दी गई और हिंदू मुस्लिम एकजहती को बहुत ज़्यादा फ़र्ग दिया गया। मैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की हुकूमत पर 677वां फाउंडेशन डे के मौके पर गुलबर्गे के सभी दानिश्वरान हिस्टोरियन और जो आर्कोलॉजी मॉन्यूमेंट से मोहब्बत रखने वाले आज सारे लोग आए हुए हैं गुलबर्गे के गुम्बद पे ज़ियारत के लिए। सुबह 9:30 बजे रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ज़ियारत हो गई। आज यकीन मानेंगे ये जो भी लोग हैं हम बुलाने से नहीं, ये खुद अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का इन्विटेशन था हमारे को, उनकी मोहब्बत थी। आज आके हम एवरी ईयर हम यहाँ बहमन शाह की गुम्बद पे आके ज़ियारत करते हैं, यानी तारीख भूल नहीं सकते। यकीन नहीं मानेंगे, तारीख के अगर पन्ने पड़ेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यकीन नहीं मानेंगे आज कितने भी जनरेशन है, आज उनकी तारीख मालूम होने के बाद आज जो ये गुलबर्गा देख रहे हैं, खालिद गुलबर्गा, इस गुलबर्गे को गुलबर्गा बनाया ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। आज जितने भी हम अकीदतमंद लोग हैं, सूफी इकराम के हो, यहाँ पर नियर अबाउट गुलबर्गे में 300 सूफी इकराम है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, और इन सारों को सूफी इकराम लोगों को बुलाने में बहुत बड़ा हाथ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के, जैसे कि दिग्गज सूफी हजरत शेख सिराजुद्दीन शाह जुनेजी साहब को करची से इनको वो बुलाया गया, इन्विटेशन दिया गया, और फिरोज शाह बहमनी के परेड में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेजुरात रहमतुल्लाह अलैह ताला को उनको इन्विटेशन दिया गया, वो आके यहाँ बसे हुए। यानी सूफी इकराम से आप दीन का काम करो और हम दुनिया का काम करते हैं, इतना सेकुलर बादशाह, ये सूफी बादशाह है, ये सूफी बादशाह है। इसलिए आज देखिए कई गुम्बदें हैं गुलबर्गे में, 120 गुम्बदें का हम रिसर्च करके हमारी एक बुक मॉन्यूमेंट ऑफ गुलबर्गा बनाए हुए हैं। देखिए आज की किन किन गुम्बदें, कैसे कैसे गुम्बदें हैं, हाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन आज ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का कंट्रीब्यूशन है जो हमको खींच लेके आया यहाँ पर आने की वजह, इनका कंट्रीब्यूशन है गुलबर्गे के लिए जो कंट्रीब्यूशन था। आज ये जो पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत गुलबर्गे में कायम हुई अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के वजह से, मेरे ख्याल से नियर अबाउट अभी अभी बात की 180 साल नहीं 201 साल की हुकूमत थी, 201 साल की हुकूमत थी, इनका डायरेक्ट कनेक्शन सुपर पावर से था। जब उस दौर में 1347 में इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना सुपर पावर ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया के साथ इनका कनेक्शन था। खिलजी की मस्जिद है दौलताबाद में, वहाँ पर शेख सिराजुद्दीन जुनेदी के दस्तारबंदी के मौके पर उन्हीं के हाथ पे अलाउद्दीन बहमन शाह ने बादशाहत यहाँ की कबूल की, और ये हिस्ट्री में इतनी सॉफ्ट ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है कि कहीं पर नहीं लिखा जाता कि एक बादशाह को इतने आसानी से जो है ना तख्त नशीनी किया गया था, ये बहमनी की, क्योंकि इसकी वजह क्या है, ये सलातीन बहमनी ये सूफ़ी बादशाह थे, बादशाह में भी सूफीज़म और ये पंच वक्ता नमाज और तहज्जुद गुजार बादशाह थे, तो
ये तारीख गुलबर्गा में आप बताइए कि स्टार्टिंग के जो पांच बादशाह गुजरे हैं अब तो मुजाहिद शाह, इनका कहीं पर भी पैलेस नहीं है आराम करने की जगह, तो ये लोग सिर्फ वर्क करते थे, एक्सपेंशन ऑफ बहमनी के लिए काम करे हैं, तारीख के लिए जो है ना काम करे हैं। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि 3 अगस्त 1347 को जब 1347 AD में जब ये बुनियादें रखी गई थी, तो दौलताबाद में आप जो है ना बादशाह बनने के बाद गुलबर्गे को एज ए पाए तख्त आपने चुना है शहर को, और आप वहाँ से दौलताबाद में थोड़े दिन में ही जो है ना गुलबर्गा को वापस आए और यहाँ पर जो है ना बहमनी की कैपिटल जो है ना गुलबर्गा को बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा। एहसानाबाद से जो है ना बहमनी के दौर में इसका जो है ना कॉइन्स मिलते हैं, मिंटेड कॉइन्स मिलते हैं, और बल्कि मैं कहता हूँ कि एक शर्फ की बात है कि ये शहर को हजरत एहसानाबाद लिखते थे वो लोग, कभी भी खाली एहसानाबाद नहीं लिखे, हजरत एहसानाबाद मतलब रस। आज किले में जो तोप देखी जाती है जो दुनिया की सबसे लंबी तोप है उसका डिस्कवर जो है 2014 में मैं हमारे अयाजुद्दीन पटेल साहब और इस्माइल साहब ने मिल के उसको डिस्कवर किया था। तो आज सारी दुनिया में जब भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनन तो वो हमारे गुलबर्गा का जो बहमनी फोर्ट का जो तोप है वही आपको नज़र आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल के डिस्कवर होने के बाद भी जो है, जबकि हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या फिर डिप्टी कमिश्नर है या फिर इंचार्ज मिनिस्टर है, सबको हमने जो है इसका रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन उसके बाद उसका फॉलोअप नहीं हुआ। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि मीडिया के थ्रू जो है उस पर थोड़ा सा जोर डालना चाहिए, स्पेशली फोर्ट में जाके उसका स्पेशल कवरेज करिए। लोग वहाँ तक आ रहे हैं देखने के लिए, लॉन्गेस्ट कैनन है देखने के लिए, मगर वो उसका दीदार नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको लॉक डाला जा रहा है, 24 घंटे वो लॉक है वो, तो उसको खोलना चाहिए, फिर से खोलें और जो है लोगों को देखने का